तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए और मम्मी भैया मम्मी छोड़ने आई हम लोगों को और मनु जी गाड़ी को पोंछ लिया है और अब चल रहे हैं भैया। ये देखो सारे लोग खड़े हुए हैं और मम्मी नींबू तोड़ने में लगी पड़ी है। देखो इनको नींबू दिखाई दे जाते तो नींबू अपना नहीं छोड़ते भैया। नींबू ये हमारा नींबू का पौधा है। ये देखो सभी लोग और मैं आपको देने वाला हो रहा था। लिए जाओ ये हमारे मिर्ची के पौधे हैं और खेत की मैंने अभी गोबर डाल रखा है इसमें लगाएंगे सब्जी। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार घूमने के लिए। ये हैं बिट्टू भैया, ये माता जी हैं। घर पे रुकेंगी मम्मी आज अकेली, कहा था चलो तो मना कर दिया मम्मी जाने के लिए। अब भैया गाड़ी निकाली जा रही है। भैया हमारी मंगलमय यात्रा हो, सब गंगे मैया हमें बुलाए रही हैं। ये मन्नो, ये देखिए गाड़ी निकाल रहे पार्किंग में से। अब गाड़ी निकल चुकी है भाई और हम सभी लोग अभी बैठेंगे। ये देखिए अब मम्मी और भैया गेट बंद कर रहे हैं। दोस्तों अब गाड़ी में सारे लोग बैठ चुके हैं, भैया को आगे बैठाएंगे क्योंकि भैया को रास्ता पता है क्योंकि हम सारे लोग अनाड़ी हैं, अनाड़ी गूगल के जरिए चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगा। ये है भाई ड्राइवर साहब, राम राम भाई, चलें अंदर आ जा, अंदर आ जा। भाई दोस्तों निकल चुके हैं और आप दाईं तरफ देख रहे होंगे ये जो है ना ये अपना मेट्रो का है, मतलब रैपिड रेल का है। रैपिड रेल जो है ना अपना कंपनी गार्डन से ना ऊपर हो गई है, तो ये देखिए इधर कितना बेहतरीन तरीके के साथ काम स्टार्ट हो गया है और भाई देख के बड़ा मजा आ रहा है। ये देखो कितना अच्छे तरीके से फ्लाईओवर वगैरह वगैरह बन रहे हैं। अब यहाँ से ना आपको दिल्ली से आपको मोदीपुरम तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पर जो ना। यहाँ पर आप 45 मिनट में पहुँच सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर बन रहा है इसका रैपिड रेल का स्टेशन। आप बताइएगा कि आप मेरठ में किस जगह से बिलोंग करते हैं और आप कौन से स्टेशन को प्रेफर करते हैं। भाई दोस्तों रास्ते में ना पहला स्टॉपेज अभी अपन लोग कहाँ है, ये मुकेश कहाँ है, कतौली बाईपास में रुके हैं और ये रेंगा पार्टी को ना मतलब चैन नहीं आ रहा। ये अपन लोग निकल गए भाई, अब तो लगता है कि गाड़ी हमें रोकनी ही पड़ेगी यार, मानते नहीं ये लोग। उल्टी आ गई क्या? भाई सब खतौली बाईपास पे रुके हुए हैं, रेंगा पार्टी ये देखिए यहाँ बैठी हुई है और बात बाकी चाचा कहाँ है, चाचा कहाँ है, अरे चाचा कहाँ है, वो देखो भाई चाचा क्या कर रहे हैं, ये ओ गन्ने को पानी लगा रहे हैं भाई। भाई दोस्तों अभी जो है ना हर की पौड़ी पे हम पहुँचे नहीं है, अभी थोड़ा सा मतलब हरिद्वार यहाँ से स्टार्ट हो गया है और गाड़ियाँ ना मतलब हमने अपनी यहीं रोक दी है और अभी जो है ना बाहर निकल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का नज़ारा कैसा है, क्योंकि यहाँ जो है ना भैया गाड़ी थोड़ा संभल के निकलना पड़ेगा। ये देखो बच्चे एंड रेंगा पार्टीज जो है ना सारे के सारे लगे हुए हैं भैया अपना अपना फोटोग्राफी में। ये देखिए ये पन्नू मैडम एंड पार्टी। हाँ जी ये पन्नू मैडम एंड पार्टी। हाँ भाई क्या हो रहा है, ये देखिए ऊपर से हाईवे जा रहा है वापस वाला और भाई साहब बहुत ही, अरे बाप रे कितना तगड़ा डैम है भाई। ये देखो पीछे से पानी आ रहा है और मैं आपको ना इसका वो दिखाता हूँ कितना बढ़िया यहाँ का वो। बिट्टू देख डैम आ जा। भाई दोस्तों अभी हर की पौड़ी पर पहुँचने से पहले ना ये देखिए यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन हो गए हैं और ये रेंगा पार्टी ने ना यहीं पे ना अपनी पार्टी करनी शुरू कर दी। हाँ भाई कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, हैं? देखो भैया जो है ना भैया यहाँ की तुलसी के चक्कर में लग गए हैं भैया। यहाँ एक्चुअली हरिद्वार में ना जड़ी बूटियाँ बहुत सारी मिलती हैं, तुलसी है क्या है पता नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ का पानी दिखाता हूँ भाई। ये देखो कितना बेहतरीन तरीके से कितना तेज़ी से पानी बह रहा भाई। ये देखो अभी तो हर की पौड़ी थोड़ा सा आगे है और वहाँ पहुँच कर हम आपको और बढ़िया तरीके से दर्शन कराएंगे। भाई हरिद्वार पहुँचने से पहले ये देखो भाई
यहाँ पर जो है ना बहुत सारे मतलब घाट हैं, तो उनमें से एक घाट ये भी है। कितना बेहतरीन बनाया हुआ है, ओम का निशान, और यहाँ भी बंदे नहा भी रहे हैं। दोस्तों हर की पौड़ी पहुँचे और इन लोगों का फोटो सेशन स्टार्ट हो गया। पन्नू को ना अपने दवा के शॉर्ट्स की तैयारी करनी, तो ये देख लो। हाँ भाई, कैसे महसूस कर रहे हो? सही से हो गए, सही बात है भैया। यहाँ का ये देखो, बात वगैरह का पार्टी ठीक है। चलो भैया अब चलते हैं आगे हर की पौड़ी पे, वहाँ का ना माहौल बहुत ही अच्छा होगा और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है भाई। हरिद्वार पहुँच गए और इनकी समोसा पार्टी और खान पीन स्टार्ट हो चुका है। देखो बच्चे क्या खा रहे हैं, कोई समोसे खा रहा है और बिट्टू भाई अपना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। हाँ भाई, क्या चिप्स खा रहे हैं? कुरकुरे ताऊ जी भी लगे पड़े इनके साथ में, पन्नू मैडम अपने शॉर्ट्स में लगी पड़ी है, चाचा समोसा खा रहे हैं भाई। भाई दोस्तों हरिद्वार पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्किंग कर दी है, पन्नू एंड पार्टी ऊपर की ओर है और मैं जो ना थोड़ा सा पीछे की ओर आया था। मुझे यहाँ दिखाई दिया कि भाई घाट पे तो जाने से पहले ना थोड़ा सा ये नदी का किनारा देख लिया जाए, तो किनारा बहुत बढ़िया है भैया, बहुत गहरा भी है और यहाँ तो खैर नहाना संभव नहीं है। खैर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भैया ये देखो, ये जो है ना घाट जहाँ पार्किंग है ना, पार्किंग के पीछे का एरिया है और कितना बेहतरीन तरीके के साथ यहाँ से कि गंगा जी की कई धाराएँ आ रही हैं। ये देखो भाई, ये देखो कितना बेहतरीन तरीके के साथ पानी यहाँ ऊपर से आ रहा है और ऊपर डैम भी बने हुए हैं। और ये देखो भाई, ऐसा मज़ा आ गया भाई। दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मनु और पन्नू कहाँ आए हुए हैं भाई? हरिद्वार आए हुए हैं।